दोस्तों कुछ बड़ा करना है तो अपना रास्ता खुद चुनो। कितना भी डिफिकल्ट रास्ता हो हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी और हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। और जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे तब यही दुनिया तुम्हारा नाम जपते जपते पीछे आएगी। लेकिन दोस्तों इन सब को करने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल बातें जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। नंबर वन, दोस्तों ये बात किसी को कड़वी लगे तो उसके लिए सॉरी 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 पर है सच्ची। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, पर अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। नंबर टू, दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि शहर से अच्छा तो अपना गांव है, क्योंकि हम वहां मकान नंबर से नहीं पिता के नाम से पहचाने जाते हैं। नंबर थ्री, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि उन बच्चों की तरह मत बनो जो सिर्फ मदर्स डे पर माँ का ख्याल रखे और दूसरे दिन उनके हाल तक ना पूछे। वो इसलिए क्योंकि माँ ने आपको जन्म दिया है, डाउनलोड नहीं किया। अच्छी बात बोली। नंबर फोर, ये बात अगर किसी को कड़वी लगे तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे दुख होता है ये देखकर कि लड़ाई दो लड़कों के बीच हो रही है और गाली माँ और बहन को दी जाती है। अगर ये बात किसी को बुरी लगी हो तो आगे से ऐसा ना करे। नंबर फाइव, पढ़ाई में आलस करना और शहर में जाकर इश्कबाजी करना माँ बाप के बलिदानों का मजाक उड़ाना है। अगर सच में ही माँ बाप के बलिदानों का कर्ज कम करना है तो सुबह पढ़ो या रात को, पर हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को और सफलता का ताज पहनाना है अपने माँ बाप को। नंबर सिक्स, दोस्तों किसी ने क्या गजब की बात कही है कि गलतियाँ ढूंढना कोई गलत बात नहीं, बस इसमें शर्त इतनी है कि शुरुआत खुद से होनी चाहिए। नंबर सेवन, दोस्तों इस बात को आप सभी जानते हैं कि जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। बस ध्यान इतना ही रखना है कि जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र जरूर कर लेना, फिर देखना जिंदगी जीने में मजा ना आया तो फिर कहना। नंबर एट, उम्र कोई भी हो जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। जैसे इंटेलिजेंट होने से शब्द समझ आने लगते हैं और एक्सपीरियंस्ड होने से अर्थ, वैसे ही जिंदगी जीने के लिए स्वस्थ तन और जेब में मजबूत धन जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नंबर नाइन, दोस्तों अगर लाइफ हार्ड लगने लगे तो इजी बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइफ में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, परखने का नहीं। शाबाश बेटा। नंबर टेन, दोस्तों लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया कंफ्यूज रहेगी कि ना जाने इसको किस बात का सुख है। नंबर इलेवन, दोस्तों लाइफ का कड़वा सच तो ये है कि जो दूसरों से जीत गया वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीत गया वो सुपर पावरफुल है। नंबर ट्वेल्व, किसी ने क्या कमाल की बात कही है, ठोकरे नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। और हाँ, ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नंबर थर्टीन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है, इसलिए निंदा से घबरा कर अपने गोल को ना छोड़ो, क्योंकि गोल मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। नंबर फोर्टीन, दोस्तों इस कलयुग में मतलबी लोगों ने दुनिया पर ऐसा असर डाला है कि अगर किसी का हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि इसे कोई काम होगा। नंबर 15, दोस्तों किसी ने क्या गजब की बात कही है कि सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। नंबर 16, दोस्तों ये भी लाइफ का कड़वा सच है कि कभी कभी इंसान सच में हार जाता है, खामोश रहते रहते, सफाई देते देते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते। आपके इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 17, दोस्तों अगर आप सही हो तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो, बस हमेशा सही बने रहो, वक्त खुद समय पर गवाही दे देगा। नंबर 18, दोस्तों ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी गोल इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता तो वो है जो लड़ता नहीं है, इसलिए दोस्त तुम जो भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, वो जरूर मिलेगा। बात तो सही है। नंबर 19, दोस्तों ये बात सच्ची और अच्छी है कि पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जिंदगी जीना सिखाती है। नंबर 20, देखो दोस्तों जैसे किसी भी बीज को किसी भी टाइप से मिट्टी में दबाते हैं फिर भी वो बीज मिट्टी को चीर कर उग जाता है, ठीक वैसे ही मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाता है फिर भी वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ ही जाता है। नंबर 21, दोस्तों ये बात सच में ही कमाल की है कि इस दुनिया में हुनर तो हर किसी के पास है, बस फर्क इतना सा है कि किसी का हुनर छुप जाता है और किसी का हुनर छप जाता है, इसलिए दोस्त तुम भी कड़ी मेहनत करके अपने हुनर को दुनिया के सामने रखो और इस दुनिया में अपनी पहचान बना लो। नंबर 22, दोस्तों ये बात कड़वी होने के साथ साथ सच्ची भी है कि इंसान बोलना तो लगभग 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में उसे पूरी जिंदगी लग जाती है। नंबर 23, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कितने गजब की बात कही है, अगर तुम सपने देखने की हिम्मत रखते हो तो दोस्तों यकीन मानो इसे पूरा करने की हिम्मत भी तुम ही रखते हो। ये बड़ी अच्छी बात।
बात कही आप। नंबर 24, दोस्तों ये बात अपने दिमाग में जरूर रखना कि समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वो होता है जो उसी ईंट से अपना आसियाना बना ले। नंबर 25, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। ठीक वैसे ही इंसान किसी से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और गलत व्यवहार से हारता है। नंबर 26, दोस्तों ये कहावत आपने खूब सुनी होगी कि जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है, इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। दोस्तों बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए आपको श्रेष्ठ कर्म करने ही होंगे। नंबर 27, दोस्तों ये बात कड़वी नहीं पर सच्ची है, अच्छी है और आपके मतलब की है। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए। नंबर 28, दोस्तों बात कड़वी लगे तो उसके लिए सॉरी पर है सच्ची। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। नंबर 29, दोस्तों लाइफ में हमेशा अच्छे काम करते रहे। पता है क्यों? क्योंकि अच्छे काम करने के बाद आपको कोई सम्मान करे या ना करे, पर आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको सम्मानित करती रहेगी, और इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर 30, एक बार इंसान ने कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती, सागर से कहा तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता, गुलाब से कहा तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब दोस्तों वो तीनों एक साथ बोले, हे इंसान अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। नंबर 31, दोस्तों प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर, साथ ले जाने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें। नंबर 32, दोस्तों ये चार चीजें इंसान को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देती है, ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। नंबर 33, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। नंबर 34, दोस्तों ये बात कड़वी होने के साथ साथ सच्ची भी है, आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 35, दोस्तों इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है, वैसे ही मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। नंबर 36, दोस्तों भगवान ने हमें धरती पर एक खाली चेक की तरह भेजा है, क्वालिटी और एबिलिटी के आधार पर हमें अपने आप ही उसमें कीमत भरनी होती है। नंबर 37, दोस्तों एक कड़वी बात कहूँ आपसे, दोस्त गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने जरूर रखता है। नंबर 38, दोस्तों इस बात में दो किरदार है, एक बाप और दूसरा बेटा। जहाँ बेटा कुछ ना करने का बहाना बनाता है, वहीं पिता उसको कुछ बनाने के लिए दिन रात कमाता है। इसलिए दोस्तों अपने माँ बाप के सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट दे और जिंदगी में सफल बनने का प्रयास करे। नंबर 39, दोस्तों किसी ने क्या गजब की बात कही है, कोई आपसे बहस करे तो उसके मुंह ना लगे। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर जो खाली बर्तन होते हैं वही ज्यादा आवाज करते हैं। नंबर 40, आपकी सफलता की राह में ये बात बहुत काम आने वाली है, अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो, आप इस दुनिया में किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए हो। नंबर 41, दोस्तों ये बात किसी को कड़वी लगे तो उसके लिए सॉरी पर है सच्ची। लाइफ में अगर बुरा वक्त भी आता है तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों जिस सब्सक्राइबर की कमेंट सबसे अच्छी होगी उसकी कमेंट नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।